first chapter, the living world. Living world में हम लोग living things के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट एज आप पहले पढ़ चुके हैं living के बारे में. What are living? अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो what are livings, तो living के बारे में आप लोग सीधा सीधे आंसर करेंगे. Livings are those things which can be reproduced, which can growth, etc. लेकिन अगर सर रियल वे में हम लोग देखें तो लिविंग्स वो थिंग्स नहीं होते. एक्चुअली में लिविंग्स का सच अ डेफिनेशन इज द करेक्ट डेफिनेशन दैट द लिविंग्स आर दोज थिंग्स दैट कैन मूव इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी. दिस इज लिविंग थिंग्स. तो इस साल हम लोग द 11th क्लास में कुछ स्पेशल थिंग्स पढ़ेंगे अबाउट लिविंग वर्ल्ड के बारे में. लिविंग थिंग्स में हम लोग शुरू से जो पढ़ते आए हैं कि लिविंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन ग्रो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनीथिंग एल्स, वो थिंग्स जस्ट स्मॉल थिंग्स. हम लोग क्या पढ़ेंगे अब लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. लिविंग्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग्स का एग्जैक्ट फीचर्स हम लोग क्या बता सकते हैं, वो कुछ दो टाइप्स के होते हैं. लिविंग्स के फीचर्स दो टाइप्स के होते हैं. दैट आर लिविंग्स हैव टू फीचर्स. द वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड द अदर इज डिफाइनिंग फीचर्स. वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड द अदर इज डिफाइनिंग फीचर्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर दोज फीचर्स जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सेप्शन और देयर इज एक्सेप्शन. दैट इज देयर इज एनी एक्सेप्शन. मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कुछ एक्सेप्शन हमें मिल सके उन्हें हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. और डिफाइनिंग फीचर्स में वो फीचर्स आते हैं जिसको हम जिसमें हम लोग कोई भी एक्सेप्शन नहीं ला सकते हैं. दैट इज नो एक्सेप्शन. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स शामिल होते हैं. पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स शामिल होते हैं, फिर उनको हम लोग डिफाइन करके देखेंगे. तो वो फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में, वन फीचर है दैट इज ग्रोथ, जो कि आप लोग पहले से ही बोलते आए हैं लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव ग्रोथ. द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बारे में भी बहुत से लोगों का यह अनुमान है कि रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत अनुमान है. वो हम लोग अभी आगे चलकर डिफाइन करेंगे. डिफाइनिंग फीचर्स में आते हैं दोज फीचर्स दैट हैव नो एक्सेप्शन. मतलब अगर वो है लिविंग्स में तो है, सारे लिविंग्स में वो फीचर्स अवेलेबल है. दैट आर द फर्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म. द सेकेंड वन इज consciousness and the third one is self organization. Okay, तो ये हो गए characteristics features and the defining features. Characteristics features एक बार फिर से हम लोग read कर ले. Growth, reproduction and the defining features are metabolism, consciousness and self organization. अब हम लोग देखते हैं एक एक करके इन फीचर्स के बारे में कि आखिर इन्हें क्यों हम लोग कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये डिफाइनिंग फीचर्स है. तो देखते हैं, लेट अस नो दैट. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट ग्रोथ. नंबर वन, ग्रोथ इज अ, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. तो वो इसको हम लोग करना पड़ेगा ना. ग्रोथ हम लोग क्या आप लोग बायोटिक और अबायोटिक दोनों में देख सकते हैं? इसका आंसर होगा यस. हम लोग ग्रोथ दोनों ऑर्गेनिज्म और दोनों फैक्टर्स में देख सकते हैं. दैट आर इन बायोटिक्स एंड इन अबायोटिक्स. कैन यू गिव एनी आंसर अबाउट अबायोटिक्स? अबायोटिक्स में ग्रोथ कैसे हम लोग देख सकते हैं? तो अबायोटिक्स का एक सिंपल सा आंसर है इन माउंटेन्स. माउंटेन्स, माउंटेन्स भी तो ग्रो करते हैं, लेकिन माउंटेन्स में ग्रो होता किस तरह का है? माउंटेन्स
एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ। और बायोटिक्स में ग्रोथ जो होता है वो कैसा ग्रोथ होता है, वो होता है इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। तो माउंटेन्स में एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे हुआ, माउंटेन्स पहले छोटे थे फिर वो बड़े हो जाते हैं, विभिन्न तरह के अवसाद उनमें जमा होकर उनको बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट, इधर हम लोग जब देखते हैं कि माउंटेन्स का आंसर तो आप लोग को पता चल ही गया कि माउंटेन्स आर अबायोटिक फैक्टर्स, बट स्टिल दे हैव ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट, माउंटेन्स के अलावा और भी आंसर हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये सैंड का जो पहाड़ बन जाता है उसे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में आप लोग को आंसर मिलेगा सैंड के पहाड़ के बारे में, कि सैंड के पहाड़ में किस तरह से सैंड माउंट्स कहा जाता है, उन्हें सैंड माउंट्स, ठीक है। और भी है इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो मिल सकता है हमें एनसीईआरटी के थ्रू। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स में तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम लोग को मिलेंगे, जो भी बायोटिक्स हैं उन सब में एग्जैक्टली ग्रोथ होता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि क्या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रोथ, तो इसका आंसर होगा यस, ट्रू, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रोथ। दैट इज नंबर वन, इन यूनिसेलुलर्स में होता है, यूनिसेलुलर्स। नंबर टू, इन एनिमल्स। थर्ड, इन प्लांट्स, सब में ग्रोथ होता है। ओके, यूनिसेलुलर्स का ग्रोथ कुछ स्पेशल टाइप का ग्रोथ है, वो किस तरह का ग्रोथ है कि वो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि यूनिसेलुलर्स जब डेवलप करते हैं, जब उनका सेल एनलार्ज होता है, यानी कि वो ग्रो कर रहे हैं, और अगर उनमें डिवीजन होता है तो वही प्रोसेस ग्रोथ कहलाता है। तो इसलिए यूनिसेलुलर्स हैव ग्रोथ। नेक्स्ट, अब आर्टिक फैक्टर्स आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो ग्रोथ का पैटर्न जो है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ग्रोथ में कुछ एक्सेप्शन है, ग्रोथ सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर, लिविंग का फीचर नहीं है, वो नॉन लिविंग का भी फीचर है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं द सेकेंड टॉपिक, द सेकेंड टॉपिक रिप्रोडक्शन। नंबर टू, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को जस्ट एज बिफोर मैं कह चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये चीज को प्रूव भी तो करना है कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। जस्ट एज क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जो रिप्रोड्यूस नहीं भी करते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जस्ट एज एनी एग्जांपल, जस्ट एज हनी बी, हनी बी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग इसे डिवाइड करें दो ग्रुप्स में, दैट इज हैव लिविंग्स हैव रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन लिविंग्स हैव नो रिप्रोडक्शन, तो क्या आंसर आएगा हमारा, लिविंग्स हैव रिप्रोडक्शन में हम लोग सारे लिविंग्स को दे सकते हैं, जैसे कि नंबर वन यूनिसेलुलर्स को हम लोग दे सकते हैं, नंबर टू हम लोग एनिमल्स को दे सकते हैं, नंबर थ्री हम लोग प्लांट्स को भी दे सकते हैं, मतलब कि ये सभी है जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो है जिसमें नहीं होता है। जस्ट एज द नंबर वन आप लोग जानते होंगे वर्कर बी, हम लोग पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वर्कर बी, वर्कर बी कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। द सेकेंड वन स्टराइल ह्यूमंस, स्टराइल ह्यूमंस। द थर्ड वन म्यूल, अ स्पेशीज ऑफ हॉर्स, ओके, अ स्पेशीज ऑफ डोंकी, अ स्पेशीज ऑफ हॉर्स, म्यूल इज द स्पेशीज ऑफ हॉर्स। म्यूल भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसे हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे, नहीं, उसे तो हम लोग लिविंग कहेंगे। तो इसलिए लिविंग्स का ये एक ऐसा फीचर है जो कि कुछ लिविंग्स में होता भी है, कुछ लिविंग्स में नहीं भी होता है, तो दैट इज द एक्सेप्शन, सो दिस इज इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, एज एज आई डिस्कस्ड
बिफोर दैट इज नंबर थ्री फीचर दैट इज मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में सब लोगों का क्या राय है कि मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म वो लिविंग प्रोसेसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म आर दोज प्रोसेसेस दैट आर इवन डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, यानी कि मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेसेस हैं जो तोड़ने फोड़ने का भी काम करते हैं और बनाने का भी काम करते हैं, जस्ट एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो एक तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं मेटाबॉलिज्म, अगर कोई सोया हुआ पर्सन भी है तो उसमें भी होता है, अगर कोई कोमा में गया हुआ पर्सन है तो उसमें भी होता है। मतलब कि अगर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं चलेगा तो लिविंग को हम लोग लिविंग कहेंगे ही नहीं, लिविंग नॉन लिविंग हो जाएगा। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म ऑल द लिविंग्स में होता है, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो क्या कहेंगे हम लोग, इन ऑल द लिविंग्स नो एक्सेप्शन। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑल द लिविंग्स में होता है विथ नो एक्सेप्शन। तो मेटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस हो गया, कौन से टाइप का फीचर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो लिविंग को हम लोग लिविंग कहेंगे ही नहीं, वो नॉन लिविंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है द फोर्थ वन, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक्चुअली होता क्या, पहले इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनी स्टिम्यूलस एंड ऑन द स्टिम्यूलस दे कैन रिस्पॉन्स। सो कॉन्शियसनेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग किसी कुछ भी अगर चेंज होता है इन्वायरमेंट में तो उससे हम लोग अपने अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो ऑफ करते हैं, लिविंग थिंग्स अपने अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो ऑफ करते हैं। तो कॉन्शियसनेस एक्चुअली में हर लिविंग थिंग्स में होता है, इवन वो छोटा से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इवन वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है, या इवन वो कोमा में हो या सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, किसी भी फेस में हो, कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है। तो कॉन्शियसनेस को हम लोग क्या कहेंगे, इज अ डिफाइनिंग फीचर। ओके, नेक्स्ट है द फिफ्थ वन, द लास्ट वन, द सेल क्या कहते हैं उसको, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में तो बताना ना बताना एक बराबर है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं शुरू से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप बाय स्मॉल यूनिट्स दैट आर कॉल्ड सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि वो सेल्स से बने हुए हैं, तो लिविंग थिंग्स का मेन यूनिट ही होता है सेल्स। तो हर एक लिविंग थिंग्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है, यानी कि ऑल द लिविंग आर मेड अप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग्स मेड अप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा फीचर में आ जाएगा, ये आ जाएगा द सेकेंड वन फीचर दैट इज डिफाइनिंग फीचर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर डिफाइनिंग फीचर्स एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट हैव एनी एक्सेप्शन एंड डिफाइनिंग फीचर्स दैट हैव नो एक्सेप्शन। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है कि कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है।